Hello everyone, welcome to the selection classes. In this video, we are going to discuss ABCD of log function. Log function बहुत important है यदि हम CAT के point of view से सोचते हैं या फिर ZET exam के point of view से सोचते हैं या फिर कोई भी exam जिसमें maths अच्छे level का पूछा जाता है, higher maths पूछा जाता है, तो log एक बहुत important function बन जाता है. तो आइए बात करते हैं कि क्या क्या इसकी properties होती हैं और इसको क्या क्या इसको हम समझ सकते हैं, right? तो generally जब हम standard form की बात करते हैं, कोई भी function है उसका standard form बहुत जरूरी है. This is a standard form. तो y equals to log b x इसका standard form है. अब इसके बारे में बहुत सारी important बातें हैं जो आपको note करनी चाहिए या फिर screenshot ले लेना उसका. सबसे पहले यदि हम x को देखते हैं, हाँ x, इसको हम इसका argument बोलते हैं. क्या बोलते हैं? argument, ठीक है. और जो इसका b है इसको हम बोलते हैं base, और y है इसको हम बोलते हैं output. तो तीनों बातें समझ में आती हैं. अच्छा, अगर हम इसके आर्ग्यूमेंट पे फोकस करना चाहते हैं, दैट इज एक्स पे, तो पॉइंट टू बी नोटेड, जो एक्स होता है, जो आर्ग्यूमेंट होता है, हमेशा जीरो या उससे बड़ा होगा. मतलब एक्स इज शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. इसका जो बेस होता है बी, वो भी जीरो से हमेशा बड़ा होना चाहिए. और आउटपुट, ठीक है भाई, तो ये तीनों बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है. इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं सच बताना, मतलब इन द सेंस ये है कि आपको वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, अगर हम इस पर देखना चाहते हैं जो एक्स की इनपुट वैल्यूज होती हैं, इसको हम बोलते हैं इनपुट. एक्स जनरली इनपुट होता है. तो जो इनपुट वैल्यूज फंक्शन अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है या फिर जो की वैल्यू आउटपुट आपको दे सकता है उसको बोलते हैं That is domain. तो अगर हम डोमेन की बात करेंगे, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन, वो जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो या उससे बड़ी कुछ भी रखो, लेकिन जीरो से छोटी वैल्यू वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. अच्छा, आउटपुट का मतलब रेंज. तो जो वाई है वो बिलोंग करता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. मतलब इसकी जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, बोले तो ऑल रियल नंबर. हाँ, इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर. आप कहीं से कहीं तक चले जाइए, कोई दिक्कत है नहीं, आपको सारे आउटपुट पॉसिबल है ना. ऐसा नहीं है कि वाई माइनस वन नहीं मिल सकता, माइनस टू नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है, पॉइंट में मिल सकता है, ठीक है. ये बात समझ में आती है. अब थोड़ा सा बेस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, बेस, तो बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसमें भी दो कंडीशन है कि बेस या तो वन से बड़ा हो या बेस जीरो और वन के बीच में लाई करे, बट बेस जो है वो वन नहीं हो सकता. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बेस वन नहीं हो सकता. हाँ, बेस वन नहीं हो सकता. जीरो से बड़ा मतलब वन से बड़ा हो सकता है या फिर जीरो और वन के बीच में लाई कर सकता है, बट बेस कभी भी क्या हो सकता है? वन नहीं हो सकता. अगर बेस वन हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, पंगा क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन होता है वाई इक्वल टू वन की पावर एक्स, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और जो लॉग फंक्शन है, जो लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन, वो इनवर्स होता है ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जो लॉग होता है, जो लॉग होता है वो इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का. अगर मैं y की, मतलब ये यहाँ पे जो बेस है वन होगा, तो x की कुछ भी वैल्यू डालो हमेशा वन ही वन आंसर आता रहेगा. वन पे भी बनाएगा, टू पे भी बनाएगा, थ्री पे भी बनाएगा, y फोर पे भी बनाएगा, तो y की वैल्यू फिक्स हो जाएगी. तो इसका मतलब वो कोई फंक्शन काम तो नहीं कर रहा, वो तो हमेशा एक ही वैल्यू दे रहा है आपको, वन दे रहा है, इसलिए बेस को वन नहीं मान सकते, ठीक है. बेस आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, बेस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू माइनस टू की पावर x, अच्छा अब हम x की वैल्यू के बारे में थोड़ा सा यदि दिमाग लगाना चाहते हैं, ठीक है, अब x की वैल्यू के बारे में दिमाग लगाओ, तो अगर मैंने गलती से x की वैल्यू को हाफ डाल दिया, और हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो डू यू थिंक यू विल गेट अ रियल नंबर? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज रूट के अंदर माइनस मतलब इमेजिनरी नंबर होता है. तो इसलिए इट इज प्रोहिबिटेड कि आप बेस को नेगेटिव नहीं ले सकते, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा.
तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉग फंक्शन की कहानी है डोमेन रेंज, डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, बेस की क्या लिमिटेशन है, बेस जीरो से बड़ा होना चाहिए, बेस वन नहीं हो सकता, जीरो और वन के बीच में होता है और वन से बड़ा होता है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, y इक्वल्स टू लॉग बेस बी एक्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ तो यहां पे पॉइंट होता है दैट इज 1,0, 1,0। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से चलता है, दिस इज द y इक्वल्स टू लॉग बेस बी एक्स, बट कंडीशन है इसमें कि जो बेस है आपका वो वन से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, वन से बड़ा होना चाहिए। इन केस मान लो बेस आपका जीरो और वन के बीच में लाई करता है, बेस लाइज बिटवीन द जीरो एंड वन, तब क्या होगा, ठीक है। इन केस अगर मान लेते हैं, एक और ग्राफ बनाता हूं मैं छोटा सा, एक फंक्शन बनेगा अगर फिर भी 1,0 लाइक दैट, ठीक है। तो ये बनेगा y इक्वल्स टू लॉग बेस बी एक्स, कंडीशन अप्लाई, बी जो है वो 1 और 0 के बीच में लाई करना चाहिए, y जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करना। तो ये दोनों ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अगर बेस आपका 1 से बड़ा है, तो यहाँ से देख रहे हो आपने स्टार्ट किया लेफ्ट से और राइट में आपकी x की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, हाँ x की वैल्यू लगातार देख रहे हो इंक्रीज होती जा रही है, y की वैल्यू में भी देख रहे हो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक y की वैल्यू हमेशा बढ़ती जा रही है। तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलना चाहते हैं और अगर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब ये आपका इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, इंक्रीजिंग। मतलब y की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव लगातार इंक्रीज होती जा रही है। अगर बेस आपका 0 टू 1 है तो यहाँ से देख रहे हो पॉजिटिव से वी आर गोइंग टूवर्ड द नेगेटिव, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, हाँ दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर बेस 0 टू 1 होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर बेस जो है 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्या बात है, देखो अगर लॉग बेस बी एक्स वाई, इफ एक्स एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, देन वाई इज नेगेटिव, वाई क्या है, नेगेटिव होगा। अपोजिट साइन का मतलब क्या है, ठीक है, अपोजिट साइन का मतलब क्या है, अपोजिट साइन का मतलब क्या है, ऐसा वो प्लस माइनस वाला साइन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब अपोजिट नेचर बोल देते हैं इसको बेसिकली, चलो साइंस अच्छा नेचर बोल देते हैं, अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर। व्हाट डज इट मीन, अपोजिट नेचर का मतलब क्या है कि अगर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है और बी की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में है ना, या फिर x की वैल्यू 1 से छोटी है ना, x की वैल्यू 1 से छोटी का मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करती है, x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करती है और बेस जो है वो 1 से बड़ा है, तो दोनों ही केस में आपको ये नेगेटिव मिलेगा, दोनों ही केस में क्या मिलेगा, नेगेटिव। जैसे हम ग्राफ में देखते हैं इसको, तो अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे, हाँ ग्राफ देखते हैं इसका, तो मैंने आपको क्या बोला वाई नेगेटिव कब मिलेगा, देखो यहाँ पे वाई आपका नेगेटिव है और यहाँ पे वाई क्या है आपका नेगेटिव, तो वाई नेगेटिव कब मिलता है, तो अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में है, बेस आपका 0 और 1 के बीच में, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है और बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा,
अगर हम इसमें देखेंगे x की वैल्यू 1 से बड़ी है, अब x की वैल्यू नेगेटिव है, कब? 0 और 1 के बीच में, और बेस आपका 1 से बड़ा है, तो इसीलिए हमने आपसे बोला कि y की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, जब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेस 1 से बड़ा हो या फिर x की वैल्यू 0 1 के बीच में लाई करे, और x की वैल्यू 1 से बड़ी हो बेस 0 1 के बीच में लाई करे, तो उस केस में आपको y नेगेटिव मिलता है। तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और कुछ बातें करते हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम y इक्वल्स टू लॉग बेस बी एक्स लिखते हैं, अगर इस फंक्शन को मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिखना, हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट नंबर नीचे है वेरिएबल ऊपर है, तो मेरा मन है यहाँ से लॉग को रिमूव करने का। तो भाई साहब जैसे ही आप लॉग को रिमूव करोगे तो यहाँ तो x बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बेचारे b का क्या होगा, हाँ इस बेचारे b का क्या होगा, तो b जो है कूद के, हाँ b जो है जंप करके कूद के y के चरणों में चला जाएगा, हाँ y के चरणों में चला जाएगा, बोले तो y का बेस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा b की पावर y। होपफुली ये बात आपको समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ y इक्वल्स टू लॉग बेस 3x, तो x की वैल्यू जो है वो 3 की पावर y है। होपफुली इट इज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आपसे बोलते हैं कि 4 इक्वल्स टू लॉग बेस 2x, और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, तो जैसे ही आप लॉग हटाओगे तो x इक्वल्स टू बनेगा 2 की पावर 4, ये जो 2 है इसके बेस में चला जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। इज इट क्लियर? तो अगर आपको लॉग रिमूव करना है तो बेस को दूसरे साइड के बेस बना देना, इस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आप होप कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कैसे लॉग को रिमूव करते हैं। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रॉपर्टीज, लॉग बेस बी पी क्यू ले लेते हैं, तो लॉग पी क्यू ये होता है लॉग बेस बी पी लॉग बेस बी क्यू, बेस आपका सेम रहेगा यदि आप इसमें दैट इज प्रोडक्ट को सम कर रहे हैं। सिमिलरली लॉग बेस बी पी अपॉन क्यू, डिवाइड में माइनस हो जाएगा, दैट इज लॉग पी माइनस लॉग क्यू, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास है लॉग बेस बी, इसको पी मान लेते हैं, तो आपका मन है इसको रिवर्स करने का, मतलब पी को बेस बनाने का, तो पी को बेस बनाने के इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, पी नीचे आ जाएगा बी ऊपर आ जाएगा, तो दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट। इसका एक और आउटकम ये आता है कि अगर हमारे पास लॉग बेस पी इंटू लॉग, एक बार ये बेस बन जाए और ये नंबर बन जाए तो इनका प्रोडक्ट बना, ये भी बहुत सुपर इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर लॉग, मान लो बेस की समथिंग पावर है एम और पी की पावर है एन, लॉग की भी कुछ पावर है और जो आर्ग्यूमेंट है उसकी भी कुछ पावर है, तो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पहले ऊपर पावर लेके आनी है एन, यहाँ से इसकी पावर एम, भाई ये ऊपर है ये नीचे है तो एन अपॉन एम, बाकी पावर आगे आगे, तो क्या बचेगा लॉग बेस बी पी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो जनरली बुक में बताई जाती है, हालांकि वो इसी का एक्सटेंशन है, क्या एक्सटेंशन है, जैसे लॉग बेस बी पी की पावर एन, अभी बेस बी की पावर 1 है तो यहाँ पे जैसे एम थी तो वो 1 वैल्यू होगी, तो क्या बचेगा, मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया पहले पावर एन, इसकी ऑलरेडी पावर 1 है लॉग बेस बी एन, तो सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एन लॉग बेस बी पी, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पावर को आगे ले आते हैं और जो बाकी है उसको एज इट इज लिख देते हैं, अक्सर ऐसे ही पढ़ाया जाता है। अच्छा, 6, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लॉग बेस चेंज, हमारा मन है कि हम लॉग का बेस चेंज करना चाहते हैं, अभी तक बेस सब में बी चल रहा है, मेरा मन है इसका के लॉग बनाना चाहते हैं, के कैसे बनाएंगे लॉग, ठीक है, तो मान लेते हैं लॉग बेस बी पी,
मेरा मन है इसका लॉग बेस के करने का। आपको करना क्या है, ऊपर नीचे लॉग लिखना है, उसके बेस में के लिखना है, जो बेस आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ऊपर जो नंबर है वो पी है, क्या है, पी, तो ऊपर पी लिख दीजिए, नीचे जो नंबर है वो बी है, नीचे बी लिख दीजिए। अगेन सुपर इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर मेरा मन है लॉग बेस 3-4, इसको मुझे बेस 5 में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 लिख दीजिए और ये ऊपर 4 आ जाएगा, ये ऊपर नीचे 3 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों से छूट जाती है या इसको समझ नहीं पाते, बार बार याद करते रहते हैं। याद नहीं करना, इसको समझो कि जिस भी बेस में कन्वर्ट करना ऊपर नीचे लॉग लिखो, के आ गया, ऊपर वाले नंबर को ऊपर लिखो, बेस को नीचे लिखो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेवन क्या होता है कि मान लेते हैं कोई नंबर है बी और उस पर हमने लॉग बेस बी पी कर दिया, मतलब बी की पावर लॉग बेस बी पी होगी। तो यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है क्या है कि अगर ये नंबर बेस और ये नंबर सेम टू सेम हो जाए तो इसका आंसर वही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज पी, दैट इज पी, इट इज इम्पॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने लिखा है कि 3 की पावर 2 लॉग बेस 3 एक्स, ठीक है, तो इसको आप कैसे समराइज करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 1 हो लिखा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो सर 2 लिखा है, तो 2 को उठा के पहले इसकी पावर में ले जाएंगे, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, नहीं बताई थी कि पावर को सर से उतार भी सकते हैं और इसके सर पे वापस बिठा भी सकते हैं। तो दैट इज, आप पहले इसको लिखोगे 3 log base 3 x square, अब जो वैल्यू है ये सिंपल बेस ये सेम हो गया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट, होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, 8 नंबर, अगर लॉग बेस भी है और आपके पास 10 है, मतलब ऐसे समझते हैं, अगर मान लेते हैं लॉग बेस भी है और ये नंबर भी हो गया, हाँ भी, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, कितना आएगा 1, मतलब लॉग बेस 2 2 1, लॉग बेस 2 10 10 वन होता है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। 9th प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या बोलता है कि अगर आपके पास लॉग बेस बी, यहाँ पे कोई भी नंबर है, दैट इज 1, इन द सेंस बेस कुछ भी है लेकिन 1 लिखा हुआ है, तो बेस कुछ भी हो अगर 1 लिख दिया आपने तो उसका आंसर 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, कैसे आएगा सर 0, सर मैंने आपको अभी ग्राफ सिखाया ना, क्या बोलता है कि अगर आपने x की वैल्यू 1 रखती, x की वैल्यू 1 तो y होने से 0 आएगा फॉर एनी बेस, फॉर एनी बेस, क्योंकि बेस कुछ भी हो अगर आपने 1 डाल दिया तो y कितना आएगा 0 आएगा। इसीलिए हमने बोला कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 1 हो गई तो आउटपुट कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है लॉग के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लॉग के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ABCD के साथ में। ABCD का मतलब बिल्कुल बेसिक्स है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, दोस्त हुआ प्रिपेयरिंग फॉर द CAT 2024 और एनी अदर MBA एग्जामिनेशन। सो बाय, टेक केयर।